हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ओएफटी टुडे। नाम सोनाक्षी। ये वीडियो है कि हाउ आई यूज एलोवेरा जेल जो मैं घर पे बनाती हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर पहली चीज मैं ये बताऊंगी कि ये खराब कितने दिनों बाद हो जाता है। ठीक है, 7 to 10 days के बीच में भी खराब हो सकता है ये, या फिर 10 days के बाद तो ऑब्वियसली खराब होने के उसके 90% चांसेस है। और राइट, सो आपको पता कैसे चलेगा कि वो खराब हो गया? जब आप उसको स्कूप आउट कर रहे होगे तो आपको पता चलेगा उसकी स्लाइमी सी उसकी कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल ऐसे से लगेगी आपको, बहुत आराम से स्लाइड एंड ग्लाइड होंगी आपकी उंगलियाँ एक दूसरे से। ठीक है, बट जब वो खराब हो जाएगा, एक तो फर्स्टली उसकी स्मेल अजीब सी हो जाएगी, ठीक है, सेकेंडली उसकी कंसिस्टेंसी स्लाइमी नहीं रहेगी, बिल्कुल वाटरी हो जाएगी। ठीक है, तो जब उसको लाइक टच करके देखोगे और ऐसे स्लाइडिंग लाइट करोगे तो वो नहीं होएगा, वो बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसी से ही आपको पता चलेगा कि वो खराब हो गया। ठीक है, सो जब आप उसको निकाल लो, उसको रेफ्रिजरेट करना, आपको फ्रिज में रख के रखना है 7 to 10 days तक, वो ठीक रहेगा। ठीक है, आप उसको ग्लास के उसमें कंटेनर में भी रख सकते हो या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में भी रख सकते हो। मैंने ऐसे ही यूज़ किया उसको एंड मैंने 4 leaves को निकाल कर उनका जेल निकाला है, स्कूप आउट किया है। ठीक है, एंड देन उसको ब्लेंड किया है और उसको हमने प्लास्टिक के कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दिया है और मैं उसको यूज़ करती हूँ। 4 leaves 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल ठीक है, मेरे यूज़ के हिसाब से मुझे 4 leaves बेटर लगते हैं। अगर मैं ज़्यादा 1 leaf भी कर देती हूँ तो मेरा ये होता है कि वो वेस्ट में चला जाता है और वो तब तक ख़राब हो जाता है। ठीक है, और सेकेंडली मैं उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव या फिर मैंने कोई विटामिन ई ऑयल नहीं डाला है। ठीक है, कि वो ज़्यादा दिन तक चले या फिर कुछ ज़्यादा एनहांस हो जाए उसके अंदर कुछ। ठीक है, ऑलरेडी विटामिन ई होता है वो एलोवेरा जेल में, बट यू कैन ऐड इफ़ यू वांट टू अप टू 3 or 4 drops। और लाइक और प्रिजर्वेटिव्स भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मुझे पता नहीं कौन से हैं। मैंने एक दो वीडियोज़ में देखे थे किसी ने यूज़ किए हैं, बट आई डोंट रिमेम्बर कि क्या चीज़ डाली थी उन लोगों ने। ठीक है, ऑलराइट, सो नाउ हाउ आई यूज इट। तो व्हाट आई डू कि अपने फेस पे लगाती हूँ, अपने बैक पे लगाती हूँ, तो जो मेरे पिंपल के मार्क्स हैं एंड जो मेरे पिंपल्स होते जा रहे हैं वो कम हो जाए। पिंपल के मार्क्स मेरे स्लोली एंड ग्रेजुअली कम हो ही रहे हैं और पिंपल्स भी कम हो रहे हैं। अब भी कुछ टाइम से मेरे ये ज़्यादा पिंपल्स के इसलिए हो गए हैं क्योंकि मैंने कोई और फेस वॉश यूज़ किया था तो उससे गड़बड़ हो गया और पिंपल्स होने लगे मेरे। तो मैंने 1 या 2 दिन यूज़ किया होगा, फिर उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया, भाई छोड़ दो, मेरे वापस हो गए हैं। तो आई एम बैक ऑन माई क्लीनिंग क्लियर। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट मेरा बड़ा ख़राब हो गया। देन नेक्स्ट मैं उसको अपने बालों पे लगाती हूँ, रात को ओवरनाइट लगा के सो जाती हूँ, देन नेक्स्ट डे मैं उठ के वॉश करती हूँ। ठीक है, तो ये होता है कि सेक्शन वाइज निकाल के एलोवेरा जेल लगा लिया। ठीक है, और आपको फर्स्टली और ये भी बात है कि थोड़ी सी टिंगलिंग सेंसेशन होगी आपको जब आप अपने फेस पे भी लगाओगे या हाथ पे भी लगाओगे, थोड़ी सी होगी, वो ऐसे जैसे काटे काटे से चुभते हैं ना, वैसे सा लगेगा आपको। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये ख़राब है या कुछ है। ठीक है, देन बालों में लगाओ, सो जाओ एंड आपके बाल बहुत स्मूथ हो जाएंगे एंड उनको जो नरिशमेंट चाहिए वो मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग से अच्छे से वॉल्यूमस लगेंगे आपके बाल। सो अभी सीज़न चेंज हो रहा है तो मैं ज़्यादा इसमें ये नहीं बता सकती कि इसमें हेयर फॉल में मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है या नहीं, बट आई डोंट नो, फ़र्क पड़ भी सकता है पड़ नहीं भी सकता। ठीक है, तो मैं हेयर फॉल का इसमें कुछ नहीं कह सकती। देन मैं एलोवेरा को सोलो भी करती हूँ कि उसका एक लीफ का एक पार्ट ले लिया छोटा सा, लाइक अराउंड लाइक 2 inches। ठीक है, देन उसमें से 6 उसके अंदर से लाइक स्लाइस काट लेती हूँ, लाइक ऐसे क्रॉस एज करके, जैसे क्या है मैंगो को काटते हैं। ठीक है, वैसे करके ले लेती हूँ एंड उनको मैं रात को स्वॉलो करके सो जाती हूँ। लाइक दे आर मेनी गुड थिंग्स इन एलोवेरा जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बेनिफिट्स के ऊपर एंड उसके अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है वो लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ से पढ़ लेना कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ,
ठीक है। सो यही तीन चीज़ें हैं जो मैं नेचुरल एलोवेरा से यूज़ करके एक्सट्रैक्ट करके करती हूँ, ठीक है। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि हम पतंजलि का क्यों नहीं यूज़ कर रहे, हमने ऑलरेडी वो वीडियो बना के आपको दिखा दी है। अब आपकी मर्जी है कि आप वो बिलीव करो या ना करो, कि वो कीड़ा निकला या नहीं निकला, इट्स अप टू यू। अरे वी डोंट केयर तुम लोग क्या बोल रहे हो, क्या मर्जी है तुम्हारी, इट्स अप टू यू। अगर तुम्हारे में नहीं निकला ठीक है, अगर तुम्हें पता है, ऐसे ही तुम शॉप से उठा के अपने कार्ट में डाल देते हो, अभी इतना ऊपर से नीचे तक इंस्पेक्ट थोड़ी करते हो, प्लीज। ओके तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो और ये वैसे भी हमारी सेकंड बॉटल थी पतंजलि एलोवेरा जेल की, और वी वर रियली एक्साइटेड कि हम और भी चीज़ें उसकी यूज़ करें, बट वो कीड़ा निकल गया तो हमने उसको दोबारा यूज़ करना छोड़ दिया। और सो या दैट्स ऑल इन द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड यू फाउंड इट हेल्पफुल। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी अनिश्मा ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड स्नैपचैट। ऑलराइट, सो विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके देन, बाय।